हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। मैं आज आपको फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट सिखाने वाली हूँ। आज के मेरे वीडियो सेशन में मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल, नया फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। जो फाइल क्रिएट किया हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो फाइल कैसे ओपन करते हैं, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। देन हम जो फाइल क्रिएट किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, हम उसे क्लोज कैसे करते हैं, ये मेरा अगला टॉपिक होगा। उसके बाद फाइल क्रिएट होने के बाद, ओपन होने के बाद, हमें अगर फाइल में से कुछ रीड करना है तो हमें वो कैसे करना है। वैसे ही अगर हमें कुछ राइट करना है डेटा, तो हम कैसे राइट कर सकते हैं, और अगर हमारी फाइल में हमें हमारा कर्सर कहीं मूव करना है पूरे फाइल में, इसको बोलते हैं सीकिंग ऑपरेशन, तो हम वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो फिलहाल ये वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ अबाउट फाइल हैंडलिंग इन सी, जिसमें मैं मेनली कवर करने वाली हूँ क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड क्लोजिंग अ फाइल। सो ये बाकी की चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। सो बाकी के चीज़ों के लिए स्टे ट्यून विथ माय चैनल टेक टॉक्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फाइल पॉइंटर क्या होता है। सो फाइल पॉइंटर होता है, ऑलरेडी डिफाइन होता है इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन हेडर फाइल। जो ये जो फाइल है वो एक स्ट्रक्चर है जिसका हमें पॉइंटर टाइप वेरिएबल बनाना होता है। तो वो ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल में एड्रेस स्टोर होता है जो कुछ फाइल पे हम ऑपरेशन करने वाले हैं। सो ये जो फाइल होता है, फाइल ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी डिफाइन हुआ है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। तो इसका यूज कैसे करते हैं, उससे पहले हम देखते हैं जो हमारा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हम उसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है एफ ओपन फंक्शन। सो ये जो एफ ओपन फंक्शन है वो सबसे पहले सर्च करता है अगर जो कुछ फाइल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं, वो ओपन हो सकता है या नहीं। अगर वो ओपन हो सकता है तो वो फाइल एफ ओपन फंक्शन लोड करता है, लोड्स फाइल फ्रॉम डिस्क इनटू द मेमोरी, और वो मेमोरी को हम बोलते हैं बफर। सो जो ये एफ ओपन फंक्शन से हम फाइल ओपन करने वाले हैं वो लोड होता है बफर में। एंड उसके बाद जो उसका पॉइंटर होता है, बेस एड्रेस होता है, वो हमें स्टोर करना पड़ता है एक फाइल पॉइंटर वेरिएबल में। तो ये सब चीज़ें हम कैसे करते हैं, तो ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सो एफ ओपन फंक्शन जो है उसका प्रोटोटाइप यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये फंक्शन का नाम है एफ ओपन फंक्शन। इस फंक्शन को हम मिनिमम टू पैरामीटर्स पास करने वाले हैं। तो पहला वाला पैरामीटर है हमारा फाइल नेम, और दूसरा वाला पैरामीटर है ओपनिंग मोड। तो ये फाइल नेम तो आप सबको पता है, फाइल नेम जो होता है वो होता है जो कुछ आपको फाइल को नेम देना है वो वाला नेम, और इसका एक्सटेंशन, जैसे कि अगर टेक्स्ट फाइल है तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा TXT, अगर ये हमारा सी का फाइल है तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा सी, अगर ये हमारा बाइनरी फाइल है तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा .dat करके, इसका एक्सटेंशन हो जाएगा, और नहीं तो BIN बाइनरी करके भी हम इसको बोल सकते हैं। सो जैसे आप लोगों को फाइल बनाना है वैसे उस टाइप का फाइल आप बना सकते हो विद द नेम गिवन ओवर हियर। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो हमें वो फाइल यहाँ पे फाइल का नेम विद द सेम एक्सटेंशन हमें देना है। और अभी ये ओपनिंग मोड क्या होता है, ओपनिंग मोड के बारे में मैं आपको अगले स्लाइड में डिटेल में बताने वाली हूँ। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है फाइल पे वो इन दैट मोड
यू हैव टू ओपन द फाइल. तो इसके लिए ओपनिंग मोड हमें देना होता है. तो ये सारे होने के बाद, मतलब ये दोनों पैरामीटर पास करने के बाद, ये फंक्शन कॉल होगा. और ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमें एक एड्रेस रिटर्न करेगा, और वो एड्रेस हमें फाइल पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना है. मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है कि ये जो फाइल पॉइंटर वेरिएबल होता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बोला था फर्स्ट वाली स्लाइड में, ये होता है पॉइंटर टाइप वेरिएबल. पॉइंटर टाइप वेरिएबल मीन्स इट कैन होल्ड द एड्रेस. यही एक वेरिएबल होता है जिसमें हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं. तो ये एफ ओपन फंक्शन फाइल ओपन करने के बाद वो फाइल का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा और बेस एड्रेस होगा, हम आइदर थिंग बोल सकते हैं, आइदर स्टार्टिंग एड्रेस और द बेस एड्रेस, वो रिटर्न करेगा ये वाला फंक्शन एफ ओपन फंक्शन. और वो रिटर्न किया हुआ वैल्यू और द एड्रेस हम फाइल पॉइंटर में स्टोर करने वाले हैं. तो यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर एफ ओपन फंक्शन सक्सेसफुली ओपन करता है फाइल तो इट रिटर्न्स द बेस एड्रेस, जैसे कि मैंने अभी बोला. बट अगर ये फेल होता है, अगर ये फाइल ओपन नहीं कर पाता है, इसके कई रीज़न हो सकते हैं. उसमें से एक रीज़न है कि डिस्क स्पेस अवेलेबल नहीं है. जो डिस्क स्पेस उसे रिक्वायर्ड है वो डिस्क स्पेस इनसफिशियंट है, तो शायद से वो ओपन नहीं होगा. और अगर हमारा डिस्क जो जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं ओपन करने के लिए वो राइट प्रोटेक्टेड है, फिर भी वो नहीं ओपन होगा. तो इसमें से अगर कोई भी रीज़न होता है तो वो रिटर्न करता है नल वैल्यू इन द फाइल पॉइंटर. इट इंडिकेट्स दैट कि हमारा जो हम जो फाइल ओपन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं वो ओपन नहीं हो रहा है, एंड ये ओपन नहीं हुआ है. ये हम देख सकते हैं कि फाइल पॉइंटर के कंटेंट अगर नल है, इट मींस फाइल ओपन नहीं हुआ है और इट फेल्स टू ओपन द फाइल. बट जब अगर हमारा फाइल पॉइंटर के कंटेंट नॉट नल है तो सक्सेसफुली फाइल ओपन हुआ है. तो हम अभी देखते हैं ओपनिंग मोड्स क्या होते हैं. तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल के लिए ओपनिंग मोड मैंने दिए हुए हैं. तो ओपनिंग मोड्स जैसे बोलते हैं आर मोर मोड, डब्ल्यू मोड एंड ए मोड. आर स्टैंड्स फॉर रीड मोड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट मोड, ए स्टैंड्स फॉर अपेंड मोड. और ये जो होते हैं मोड्स वो प्लस करके होते हैं. तो अभी ये सभी मोड्स का मीनिंग क्या है, तो चलो देखते हैं कि सभी मोड्स का मीनिंग क्या है. तो आर, आर स्टैंड्स फॉर रीड मोड. सो अगर हमें फाइल में से कुछ रीड करना है तो हमें फाइल रीड मोड में ओपन करनी है. तो अगर फाइल हमें रीड मोड में ओपन करनी है तो इफ फाइल ओपन सक्सेसफुली, जो फाइल पॉइंटर होता है वो फर्स्ट कैरेक्टर पे सेट हो जाता है. जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा फाइल में वो पोजीशन पे ये फाइल पॉइंटर सेट हो जाता है. डब्ल्यू मोड क्या होता है, अगर हमें फाइल राइट करनी है, फाइल में डेटा कुछ राइट करना है, तो हम डब्ल्यू मोड इस्तेमाल करेंगे. डब्ल्यू इज़ फॉर राइटिंग पर्पज. तो ये डब्ल्यू मोड के दो, व्हाट वी कैन से, डब्ल्यू मोड के दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी किसी ने तो भी बनाई हुई है, और अगर उसमें कुछ कंटेंट है तो वो सारे कंटेंट यहाँ पे ओवरराइट हो जाएंगे. और जो फाइल हम ओपन करने वाले हैं, जो नाम दिया हुआ है वो फाइल को, वो डब्ल्यू मोड ओपन करेगा पर उसमें कोई कंटेंट नहीं बचेंगे, वो सारे कंटेंट ओवरराइट हो जाएंगे. एंड अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है, मतलब कि जो हमने फाइल का नाम दिया हुआ है वो फाइल एग्जिस्ट नहीं है, मतलब कि हमें नया फाइल क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम डब्ल्यू मोड यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड. पर हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो पुराने वाले कंटेंट ओवरराइट कर देगा, आपको पुराने वाले कंटेंट नहीं दिखेंगे, वो ब्लैंक फाइल ओपन करेगा. एंड
अगर आपको नया फाइल ही ओपन करना है, नया नाम ही फाइल को देना है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली फाइल ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं विथ दिस W मोड। अभी नेक्स्ट वाला मोड है A मोड, विच इज कॉल्ड एज अपेंड मोड। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अपेंड मोड की फंक्शनैलिटी क्या है। अपेंड मोड की भी फंक्शनैलिटी है कि अगर फाइल ओपन करते समय हम अपेंड मोड यूज कर रहे हैं, तो अपेंड मोड वो सबसे पहले चेक करता है कि फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। अगर फाइल एग्जिस्ट है, फाइल किसी ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये सारे जो कंटेंट है फाइल के, पहले बनाया हुआ फाइल है और इसमें कुछ कंटेंट है, तो ये अपेंड मोड वो कंटेंट्स ओवरराइट नहीं करेगा, वो कंटेंट वो वैसे ही रखेगा, और जो उसका फाइल पॉइंटर होता है वो लास्ट कैरेक्टर पे सेट हो जाएगा, मतलब कि एंड ऑफ फाइल में सेट हो जाएगा, और उसके बाद आप राइट ऑपरेशन कर सकते हैं इन दिस अपेंड मोड। मतलब अगर आपको प्रीवियस वाला डेटा एज इट इज़ रखना है, उसे कोई ओवरराइट नहीं करना है, आपको उस डेटा की ज़रूरत है पर आपको कुछ ऐड ऑन करना है आपकी फाइल में, तो आपके लिए अपेंड मोड ज़्यादा सुटेबल है। क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट होता है तो एग्जिस्ट फाइल भी एज इट इज़ ओपन करेगा और एट द एंड उसका पॉइंटर सेट कर देगा। सो उसके बाद आप कुछ भी राइट कर सकते हैं जो कुछ आपको रिक्वायर्ड है। बट अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं है, तो ये नया फाइल क्रिएट कर देगा और फिर उस नई फाइल में आप नया डेटा, कुछ जो कुछ आपको राइट करना है आप राइट कर सकते हो। सो यहाँ पे इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन ऑल द 3 मोड्स। राइट मोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला मोड, रीड मोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और अपेंड मोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप रीड मोड में फाइल ओपन कर रहे हो, तो फाइल ओनली रीड, द फाइल विल परफॉर्म ओनली रीड ऑपरेशन। तो आपका जो फाइल ओपन हुआ है वो रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा। अगर आप फाइल राइट मोड में ओपन कर रहे हो, तो आपका फाइल जो ओपन हुआ है उस पर आप सिर्फ राइट ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हो। एंड अगर आप अपना फाइल अपेंड मोड में ओपन कर रहे हो, तो आपका फाइल सिर्फ एट द एंड में ही आप ऐड कर सकते हो। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है, तो राइट मोड में एंड अपेंड मोड में ये नया फाइल बना लेगा। बट अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल अगर नहीं है, फिर भी आप उसको रीड मोड में ओपन करने का ट्राई कर रहे हो, तो ये ओपन नहीं होगा, इट विल गिव एन एरर। क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग फाइल ही एग्जिस्ट नहीं है, तो आप उस पर क्या रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? नहीं। इसीलिए अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं है, तो ये रीड ऑपरेशन के लिए फाइल ओपन ही नहीं करेगा। तो अभी ये बाकी के 3 मोड्स क्या होते हैं, R प्लस मोड क्या होता है, W प्लस मोड क्या होता है, और A प्लस मोड क्या होता है। तो R प्लस मोड में से मेनली अगर हम रीड ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग द एग्जिस्टिंग कंटेंट्स एज वेल एज हम उस पर राइट भी कर सकते हैं, राइटिंग न्यू कंटेंट्स मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कंटेंट्स ऑन द फाइल। इसका मतलब है अगर हमें रीडिंग के साथ साथ राइटिंग ऑपरेशन भी करना है, तो इसके लिए हम R प्लस मोड यूज़ करेंगे। बट यू ओनली टेक केयर ऑफ कि आपकी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, बिकॉज बेसिकली हमारा जो R प्लस मोड है वो पहले देखेगा कि फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। अगर फाइल एग्जिस्ट है, तभी आप उस पर रीडिंग ऑपरेशन एज वेल एज राइटिंग ऑपरेशन कर सकते हो। एंड अगर आपको नया फाइल क्रिएट करना है और उसके साथ साथ आपको रीडिंग भी करना है, तो आपके ये पर्पस के लिए हमारे पास अगला मोड है, वो है W प्लस मोड, जिसमें हम राइटिंग के लिए मेनली फाइल ओपन कर रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली आप रीडिंग भी परफॉर्म कर सकते हो एंड मॉडिफाई एंड ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो यू कैन परफॉर्म। सो अगर हमें राइट के साथ रीडिंग करना है, तो हम W प्लस मोड यूज करेंगे। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे R प्लस मोड में फाइल अगर एग्जिस्ट है तभी ये परफॉर्म होगा, वैसी बात W प्लस मोड के साथ नहीं है।
बिकॉज बेसिकली ये वाला जो मोड है वो है राइट मोड. सो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो ये नया फाइल क्रिएट कर देगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. बट अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये जैसे W मोड में ओवरराइट कर रहा है वैसे ही यहाँ पे भी प्रीवियस वाला डेटा ओवरराइट वो कर देगा. सो आपकी रिक्वायरमेंट अगर नया फाइल क्रिएट करने के साथ साथ उसमें से कंटेंट जो कुछ आप राइट कर रहे हो वो अगर रीड करना है तभी आपको W+ मोड यूज़ करना है. अदरवाइज अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल आप ट्राई कर रहे हो W+ मोड में ओपन करने के लिए तो वो फाइल का जो डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा. और जो लास्ट वाला मोड है वो है अपेंड मोड. सॉरी, ये है अपेंड मोड, A+ मोड. ये A+ मोड एंड A मोड, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक साथ एक जैसे ही वर्क हो जाएंगे. तो मुझे ऐसे लगता है, आई होप आप लोगों को ये सारे मोड सभी समझ में आ गए हैं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको पता है तो आप सही मोड का इस्तेमाल कर लेंगे. अभी हम देखते हैं कि बाइनरी फाइल में कौन कौन से मोड्स होते हैं. तो बाइनरी फाइल्स के भी जस्ट लाइक ऑफ टेक्स्ट फाइल 6 मोड्स होते हैं. वो मोड के नाम से RB मोड, WB मोड एंड AB मोड. अगेन द रेस्ट ऑफ 3 आर RB+ मोड, WB+ मोड एंड AB+ मोड. ये सभी मोड जो हमने टेक्स्ट फाइल के लिए अभी मैंने पढ़ाए हैं वही सभी मोड यहाँ पे एज इट इज है. ओनली ये वाले सभी मोड वर्क हो गए बाइनरी फाइल्स में, नॉट ऑन द टेक्स्ट फाइल. तो स्पेसिफिकली अगर हम बाइनरी फाइल यूज कर रहे हैं तो वो बाइनरी फाइल के लिए हम मोड यूज करेंगे RB मोड जब हमें बाइनरी फाइल रीड करना है, WB मोड अगर हमें बाइनरी फाइल में राइट करना है एंड AB मोड अगर हमें बाइनरी फाइल में कुछ अपेंड करना है एट द एंड ऑफ द फाइल. और ये सारे मोड अगर हमें रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी करना है तो हम RB+ मोड यूज़ कर लेंगे. अगर हमें राइटिंग के साथ रीडिंग भी करना है तो हम WB+ मोड यूज़ कर लेंगे. और AB+ मोड ये एज इट इज़ रहेगा, जस्ट सेम एज ऑफ द AB मोड. सो इन दिस वे मैंने सारे मोड्स, ओपनिंग मोड्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिए हैं. तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमें अगर फाइल क्लोज करना है तो हम वो कैसे करेंगे. तो फाइल क्लोज करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करने वाले हैं वो है एफ क्लोज फंक्शन. तो एफ क्लोज फंक्शन से हम जो फाइल पॉइंटर में जिस फाइल का बेस एड्रेस है वो वाला फाइल हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे. सो अगर हमारे पास सिंगल फाइल है हमारी प्रोग्राम में तो हम एफ क्लोज फंक्शन यूज करेंगे. बट अगर हमारे पास मोर देन वन फाइल है तो हमारे लिए फंक्शन अवेलेबल है एफ क्लोज ऑल फंक्शन. ये एफ क्लोज ऑल फंक्शन के लिए हमें फाइल पॉइंटर पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो कुछ फाइल ओपन है, जितनी भी सारी फाइल ओपन है वो सारी फाइल ये एफ क्लोज ऑल फंक्शन क्लोज कर लेगा. सो एट द एंड ऑफ योर एवरी प्रोग्राम आपको फाइल क्लोज करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है. तो यहाँ पे अगर हम फाइल क्लोज नहीं करते हैं तो अगला वाला जो कुछ आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो शायद से करेक्टली परफॉर्म नहीं होगा और करेक्टली आउटपुट भी नहीं देगा. सो अगर आपको रीड करना है आपकी फाइल में से तो रीड होने के बाद आपको फाइल क्लोज कर देनी है. अगर आपको राइट करना है आपकी फाइल में तो आपके फाइल में डेटा कंटेंट राइट करने के बाद आपको फाइल वो क्लोज कर देनी है. सो मींस आफ्टर एवरी फंक्शन यू सपोज टू क्लोज योर फाइल. एंड वो क्लोज फाइल करने के बाद जो हमारा एसोसिएटेड बफर था, जो बफर में हमारा फाइल लोड हुआ था, वो वाला फाइल यहाँ पे, वो वाला बफर वो जो है वो फ्री हो जाएगा और वो फाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगा. सो इस तरह से हम फाइल क्लोज कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी. थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग,
फॉर लिसनिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट्स, वीडियो लेक्चर के कंटेंट्स और ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट देना न भूलिए. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, आपको इसमें से समझ में आ रहा है चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ और पढ़ाया हुआ है, तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए. मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और ये वीडियोज, मेरा चैनल आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए. और एक चीज़, आपका जो बेल है उसे हमेशा के लिए रिंगिंग रखिए, अदरवाइज आपको मेरे चैनल के नए नोटिफिकेशंस, नए अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे. सो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो सुनने के लिए. यहाँ पे मैं और कुछ प्रोग्राम्स के लिए लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ साथ मेरे सब्सक्रिप्शन के लिए भी लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ. मेरे टिकटॉक्स चैनल के लोगों पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. धन्यवाद.